ये जो विधेयक आया है, मेरी सरकार से विनती है, सरकार घोषणाएं कर रही है और घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कौटिल्य भवन बनाया महात्मा चाणक्य के नाम से। उस कौटिल्य भवन को ये विश्वविद्यालय खोलने के लिए, डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कौटिल्य भवन को 7 लाख किराए में लिया। अगर सरकार के पास पैसा है तो सरकार भवन बना के उसमें क्यों नहीं शिफ्ट करती? और माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, 7 लाख रुपए में किराए में लिया और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे दर दर की ठोकरे पुरानी बिल्डिंग में खा रहे, उनको वहां से निकाल दिया। ये वहां की दशा है। अभी जो विश्वविद्यालय आप खोल रहे हैं उसकी दशा है। माननीय सभापति महोदय, सरकार घोषणा करती है, गहलोत साहब घोषणा करते हैं, घोषणा दुनिया भर की। मुझे किसी ने बताया था, एक पिताजी मर रहे थे, उन्होंने बेटों को बुलाया, बेटों को बुला के कहा भाई बेटा ऐसा करना, 2 लाख रुपए वहां दे देना, धर्मशाला में देना, स्कूल में देना। बेटा उनका पैसे कहाँ? पैसे दोगे तब देंगे, अभी तो घोषणा कर दो, मैं जा रहा हूँ। जो ऐसी स्थिति होगी सब इस सरकार की, पैसा नहीं है सरकार के पास। आप अभी माननीय सदस्य ने हरदेव जोशी विश्वविद्यालय के बारे में बताया था, पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वहां की स्थिति ये है, 2 भवन किराए ले रखे हैं, वहां वीसी की योग्यता नहीं। पहले वीसी की स्थिति यह है कि वीसी को ऐसे बनाओ जैसे वो उद्योगपति है, उद्योग का काम कर रहा, अच्छा धंधा कर रहा, उसे वीसी को बनाओ। जो अच्छी खेती कर रहा उसको एग्रीकल्चर का वीसी बनाओ। ये क्या नियम कानून ला रहे हैं आप? आपका पैसा नहीं है। अगर पैसा है, शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। मैं भी हमारे कमिश्नर ऑफिस में गया, कमिश्नर ऑफिस में ई मित्र के सारे राजस्थान के 90% एसेट आपने खरीद लिए, इक्विपमेंट वो सब पड़े हैं। मैं कांग्रेस के विधायकों से निवेदन करता हूं, कहीं जाके देखे पंचायतों क्या हालत है उनकी, ई मित्र के सारे इक्विपमेंट खराब पड़े हैं। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है, सरकार के पास साधन है तो निश्चित खोले, बहुत अच्छा काम है। राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से खोले, ये भी बहुत अच्छा काम है। परंतु आपके पास साधन नहीं है और साधन नहीं होने के उपरांत भी सरकार रोज घोषणाएं, रोज घोषणाएं। पहले भर्ती करें, विश्वविद्यालय में अध्यापक नहीं है, विश्वविद्यालय वीसी किसको बनाएं, कोई फार्मूला नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से निवेदन है, इस विधेयक को जनमत जानने के लिए 3 महीने के लिए परिचारित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।